आर लेक्चर तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं विद कटबैक बिटुमिन आखिर ये कटबैक बिटुमिन है क्या सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा तो सिंपल वर्ड्स में इट इज अ यू कैन से अ मिक्सचर ऑफ बिटुमिन विद अ वॉलेटाइल डाइल्यूएंट अब ये वॉलेटाइल वर्ड का क्या मतलब होता है जो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है या फिर एक ऐसा मटेरियल जो जल्दी ही छोटी मोटे चेंजेस के साथ ही उसमें फेज चेंज देखने को मिले यानी कि लिक्विड्स है वो गैस बन जाए सिंपल वर्ड्स में वो ऑपरेट हो जाए तो अब आना चाहिए ठीक है अगर एक मिक्सचर है विटोमिन और एक पर्टिकुलर डायलुंट का तो फिर इसका पर्पज़ क्या है डायलुवेंट को डालने का यूज़ क्या हुआ क्यों विटोमिन यूज़ नहीं कर रहे हैं हम हम अचीव करना चाहते हैं लो विस्कोसिटी एट लो टेम्परेचर सीधा मतलब ये है कि अगर सिर्फ विटोमिन लिया जाए और उसको रूम टेम्परेचर पे अगर हम वर्क कराने की कोशिश करेंगे तो क्या वो यूज़ हो पाएगा सिंपल आंसर है नहीं क्योंकि बिटोमिन एट रूम टेम्परेचर या तो वो सेमी सॉलिड रहेगा या फिर अप्रोक्सीमेटली सॉलिड रहेगा मैं यूँ कहूँ तो मतलब उसको एज अ लिक्विड यूज़ करना बहुत मुश्किल होगा तो इसी परपज़ की वजह से इंजीनियर्स ने या रिसर्चर्स ने सोचा एक ऐसा लिक्विड इसके साथ मिक्स कर दिया जाए जिसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे भी या रूम टेम्परेचर के आसपास वाले टेम्परेचर पे इसकी विस्कोसिटी कम हो जाए वो एक लिक्विड की तरह बिहेव करे ओके और क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि वो हमेशा ऐसा बिहेव करे तो वो जो मिलाया जा रहा है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो इवापोरेट हो जाए इसलिए इसको कहा गया वॉलेटाइल डायलोवेंट तो ये बात आई समझ में अब इसका फंक्शन क्या है या फंक्शनिंग कैसे करता है ये देखो जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है वो इवापोरेट हो जाएगा एज यूजल ऑब्वियसली वॉलीटाइल है तो इवापोरेट तो होगा ही एप्लीकेशन के बाद और पीछे छोड़ जाएगा बिटोमिन को और बिटोमिन क्या करेगा जो भी एग्रीगेट्स हैं उनको अच्छे से कर लेगा वो बाइंड बाइंड करने के बाद हमारा पर्पज सॉल्व हो गया क्योंकि बिटोमिन तो रूम टेम्परेचर पर फिर से क्या हो जाएगा सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड इन दोनों में से एक ही काम होने वाला है बिटोमिन के साथ तो सिंपल यूज हो गया कटबैक का तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार क्या कटबैक के कई टाइप्स भी होते हैं तो मैं बता देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कैसा आपने डायलुन यूज़ किया है उसके बेसिस पे इसको तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कैटेगराइज किया गया है सबसे पहला है रैपिड क्यूरिंग दूसरा है मीडियम क्यूरिंग एंड थर्ड इज़ स्लो क्यूरिंग एंड इनका जो एक्रॉनिम है मतलब ये जो आप देख रहे हैं आर सी एम सी एंड एस सी ये यूज होता है और ये काफ़ी स्टैंडर्ड है तो पेपर में भी आपको आर सी एम सी एस सी के नाम से ये दिख जाएगा सो so, बहुत सिंपल वर्ड में और क्लियरली मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या है अब आपको समझ में तो अगर रैपिड क्यूरिंग मीडियम क्यूरिंग स्लो मतलब कुछ मीडियम है कुछ स्पीड इसमें स्लो है कुछ इसमें जल्दी है तो क्या है इसमें विटूमिन के साथ मिला दो नैपथा या गैसोलिन अब ऐसा करने से का फायदा क्या है जो यहाँ एवोपोरेशन रेट है ना वो फास्टेस्ट होगी मतलब बहुत तेजी से जो डायलोट लिक्विड है वो एकदम एवोपोरेट कर जाएगा तो मीडियम क्यूरिंग में क्या करना है मीडियम क्यूरिंग के अंदर विटोमिन प्लस इंटरमीडिएट बॉइलिंग पॉइंट वाले ऑयल यूज़ करो फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है कैरोसिन या लाइट डीजल ऑयल ये क्या करेंगे मतलब ना ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा तेज़ धीरे धीरे मतलब बीच की स्पीड में एवपोरेट कर जाएंगे तीसरा है स्लो क्यूरिंग स्लो क्यूरिंग के अंदर ऑब्वियसली हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला ऑयल है अब हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला ऑयल है तो जल्दी से तो वेपोरेट होगा नहीं तो और ओवरऑल सिस्टम कैसा हो गया स्लो तो इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ एवेपोरेशन कटबैक को कैटेगराइज कर दिया गया अच्छा अभी आपने कह दिया ठीक है जल्दी मीडियम क्यूरिंग अब यह भी तो हो सकता है कि जैसे मैंने यहां पे नेपथा डाला या कैसोलिन डाला तो ये दो अलग अलग टाइप के मिक्सचर हो गए मैं कहूँगा बिल्कुल अब इनके अंदर भी तो सर अलग अलग विस्कोसिटी होगी क्योंकि गैसोलीन अलग है नैब्ता अलग है कुछ और डालोगे वो अलग होगा मैं कहूँगा बिल्कुल सो फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोएबिलिटी पहले तो हमने रैपिड जो भी रैपिड मीडियम स्लो एवोपोरेशन रेट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है और एक पर्टिकुलर सेक्शन को क्योंकि इसके अंदर चार पाँच तरह के आप डायलोइन डाल सकते हो कितने भी चार पांच के उससे भी ज़्यादा जितने भी अवेलेबल हैं डालो रिसर्च करो और पब्लिश करो है कि नहीं सो so, उसके बेसिस पर तो हो गया अब दूसरा पार्ट बचा है फ्लोएबिलिटी तो कैसे एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर फ्लोएबिलिटी है उसके बेसिस पर फर्दर क्लासीफाई किया गया है तो जो स्टैंडर्ड नंबर है ना वो है ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये याद रखो ज़ीरो टू फाइव है अगर ज़ीरो टू फाइव है तो इसका क्या मतलब है अब वो समझाया जाए तो वो देखो तो इसमें हम कहते हैं मैंने कहा एक पर्टिकुलर सेक्शन का जीरो से फाइव तक फर्दर डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो जैसे कि आर सी ज़ीरो आर सी वन आर सी टू अप टू अप टू आर सी फाइव अब जीरो का क्या मतलब है पीयूष और फाइव का क्या मतलब है पीयूष ये बताओ तो देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको जब भी हम फ्लोएबिलिटी की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं विस्कोसिटी की और विस्कोसिटी तो यार फ्लूड मैकेनिक्स में एक ही टर्म फ्लूड से पढ़ा चाहे ट्वेल्थ में भी न्यूटोनियन फ्लूइड का पढ़ा कुछ भी पढ़ो म्यू टाव इज इक्व टू तो डी यू ओवर डी वाई या डी थीटा बाय डी टी ए की बात है इसमें म्यू जो होता है ये बेसिकली हम कहते हैं विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एप्सोल्यूट विस्कोसिटी को टू बी प्रिसाइज एप्सोल्यूट विस्कोसिटी इज म्यू तो अच्छा एक बात बताओ अगर म्यू जीरो होगा तो वो फ्लूड कैसा होता है हम कहते हैं अरे बहुत ही फ्लोएबल होगा और म्यू काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए तो कैसा होता है वेरी विस्कस तो सेम कंसेप्ट तुम ये लगा लो ये ट्रिक बता रहा हूँ ऐसा सोच मत लेना जीरो का मतलब है म्यू को अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के कहीं आसपास होगा और म्यू यहाँ कहीं फाइव के आसपास होगा ऐसा मान लो सोच लो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये म्यू इज इक्वल्स टू फाइव पॉइस वाले को ही बोल रहा हूँ कि वो आर सी फाइव में होगा ये कंसेप्ट नहीं है ये बस एक ट्रिक है जीरो मतलब बहुत कम वाला तो बहुत अच्छे से फ्लो करेगा तो वेरी फ्लूइड फाइव का मतलब है बहुत ही विस्कस यानी कि उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा इंटर फ्रिक्शन जो है फ्लोइ जब फ्लूड फ्लो करेगा तो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा यानी कि विस्कोसिटी हाई होगी सिमिलरली आप एक पर्टिकुलर सेक्शन मीडियम क्यूरिंग के लिए डिफाइन कर सकते हो सिमिलरली स्लो क्यूरिंग के लिए डिफाइन कर सकते हो अब आप सोच रहे होंगे इसका यूज़ क्या है ठीक है हमने ये समझ लिया यार कि कटबैक क्या है कैसे बना उसकी फंक्शनिंग क्या है उसके टाइप्स क्या है अब मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये बताओ इसका एप्लीकेशन क्या है सही याद है ना इसका एप्लीकेशन है रिपेयर ऑफ पॉट होल्स फिलिंग ऑफ क्रैक्स अब आप मेरे से आज की तारीख में पूछो आज की तारीख मतलब फॉर लाइक लास्ट फाइव टू टेन ईयर्स की हम बात करें तो कटबैक यूज़ नहीं होता है क्योंकि कटबैक के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं जैसे कि वो विटामिन जो पीछे छोड़ के जाता है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दे पाता था ऊपर से जो रेनी सीजन है उसके अंदर उसको यूज़ नहीं किया जा सकता था तो इस वजह से इन प्रेजेंट टाइम कटबैक इज नॉट यूज़ बट हाँ आप कह सकते हो नॉट यूज फॉर वॉट पॉट होल्स पॉट होल्स रिपेयर इसके लिए अब यूज़ नहीं करते हैं बट अभी भी आप इसको क्रैक फिलिंग के लिए यूज़ कर लेते हो अगर क्रैक काफ़ी माइनर है उस काम में अभी भी काफ़ी अच्छा ये है बट अब इसकी जगह पूरी तरीके से डोमिनेटिंग वे में इंडस्ट्री में आ चुका है बिटोमिनस इमल्शन इमल्शन अब सब जगह यूज होता है पॉट होल्स में भी यूज हो रहा है क्रैक की फिलिंग में भी यूज़ हो रहा है और इमल्शन को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है एज कम्पेयर टू दिस थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इमल्शन के कंपेरिजन में जो कटबैक है वो एक्सपेंसिव पड़ता था क्योंकि आपको इसके अंदर एक और ऑयल डालना है जबकि इमल्शन क्या होता है जो हमने पढ़ा है बिल्कुल केमिस्ट्री के अंदर आपको एक ग्लोब्यूल होते हैं जो कि वाटर के अंदर क्या हो रहे होते हैं तैर रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं इमल्शन कहते हैं तो यहाँ विटामिन के ग्लोब्यूल्स आप तैरा दो पानी के अंदर तो वो कितना चीप हो गया है एज कम्पेयर टू कटबैक तो कटबैक अब यूज नहीं होता है नाव चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ ओके okay, मैंने अब यहाँ मेंशन कर दिया कि अब इमल्शन ज़्यादा अच्छे से यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ कटबैक्स ठीक है तो अब आते हैं बिटुमिन इमल्शन क्या है बिटुमिन इमल्शन इज अ लिक्विड प्रोडक्ट इन विच बिटोमिन इज सस्पेंडेड इन अ फाइनली डिवाइडेड कंडीशन इन एन एक्वस मीडियम एंड सेंडराइज बाय सूटेबल मटीरियल ये हो गया है आज की तारीख में ठीक है नॉर्मली अब हम कितने तरह के विटोमिन होते हैं आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली ऐसे वाटर जैसा कुछ दिखाते हैं ठीक है फिर उसके अंदर हम ऐसे ग्लोब्यूल्स बनाते हैं अरे बिल्कुल वही यार इलेवन ट्वेल्थ वाली पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक इंजीनियरिंग तो मैं भी बात करूंगा बाद में ठीक है वही वाली बात कर रहा हूँ तो ये ग्लोब्यूल्स को क्या कहते थे इमल्शन अब बिटोमिन आ गया तो उसको क्या कहेंगे बिटोमिन से मल्शन अब ये दो तरह के हो सकते थे या तो कैटोनिक कैटोनिक या आयोनिक एनोनिक तो कैटोनिक या एनोनिक तो इंडिया में जो नॉर्मली यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं दे आर ऑफ कैटनिक टाइप इमल्शंस ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है मैंने और ये कहाँ से उठाया है ये उठाया है आई आर सी एस पी हंड्रेड इज टू टू ज़ीरो वन फोर से जो कि कोल्ड मिक्स डिज़ाइन का कोड है इंडिया के लिए तो उसमें साफ़ लिखा है कैटॉइनिक यूज़ करना है ये स्टैंडर्ड बना दिया गया है द बिटोमेन कंटेंट इन इमल्शन इज़ अराउंड सिक्सटी परसेंट मैं यहाँ तुम्हारे लिए देखो कंटेंट भी बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कितना परसेंट कंटेंट है एट्टी सित्ता याद रखो अराउंड सिक्सटी परसेंट हमें डालना है विटोमिन और बाचा कुछ हो जाएगा पानी वेन इमल्शन इज अप्लाइड ऑन रोड अब होगा क्या इसका यूज देखो फंक्शनिंग देखो ये फंक्शनिंग हो गई जैसे अपन ने ऊपर ने फंक्शनिंग देखी थी ना वही फंक्शनिंग है वैन विटोमिन इज अप्लाइड ऑन रोड वाटर स्टार्ट इवोपोरेटिंग क्योंकि वाटर तो क्या है ज्यादा इवोपोरेटेबल है तो वो स्टार्ट कर जाता है इवोपोरेट करना और मिक्स क्या हो जाएगा पीछे छोड़ जाएगा आप के ग्लोब्यूल्स जो कि सारे एग्रीकोट्स को क्या कर देंगे बाइंड कर लेंगे और इस तरीके से हो जाएगा रिपेयर और पैचवर्क पूरा फिर से विटमिन को भी तीन टाइप में काटा जा सकता है मैं और फर्दर काटने का मतलब है क्लासिफाई किया जा सकता है तो अगेन सेम वे में रैपिड सेटिंग मीडियम सेटिंग एंड स्लो सेटिंग तो आप सेटिंग के बेसिस पे इसको डिफाइन करते हो अब हम बात करते हैं कि कौन सा टाइप कहाँ यूज होता है अगेन ये मैंने कहाँ से निकाला है ये वाला वापस से वही आई आर सी एस पी हंड्रेड टू टू जीरो वन फोर से निकाला है कहीं क्वेश्चन आ जाए क्योंकि अब इमल्शन यूज़ हो रहे हैं कटबैक के क्वेश्चन जब आप आज से मैं हमेशा कहता हूँ ट्वेंटी फाइव ईयर्स के क्वेश्चन लगाओ आपको मेरे जितना भी मैंने पढ़ाया तब आपको क्लियर होगा कितने अच्छे से मैंने आपको एज़ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ाया है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पुराने टाइम के क्वेश्चन मिलेंगे कटबैक पे बट रिसेंटली आप देखेंगे दस साल के पेपर में एक ट्रेंड है इमल्शन पे फोकस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि रैपिड सेटिंग कहाँ यूज़ हो रहा है मीडियम सेटिंग कहाँ और स्लो सेटिंग कहाँ तो स्लो सेटिंग यूज़ कर रहे हैं हम रेनी सीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ मैंने स्पेशली लिखा है स्लो सेटिंग यूज़ कर रहे हैं रेनी सीजन में मीडियम सेटिंग इमल्शन यूज़ हो रहा है प्री मिक्स जॉब और पैच वर्क पैच रिपेयर वर्क में और रैपिड सेटिंग रैपिड सेटिंग है बहुत जल्दी हमें हार्डनिंग करनी है तो सरफेस ड्रेसिंग वर्क्स के अंदर तो यूज़ मैंने देखो स्पेशली हैंड से बड़ा बड़ा करके हाईलाइट करके लिखा है ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि इमल्शन जो है ये कहाँ यूज़ होता है ये यूज़ हो रहा है पैच वर्क्स में जो रोड के पैच वर्क्स हैं स्पेशली रेनी सीजन के टाइम उनमें अब इमल्शन यूज़ होता है कटबैक यूज़ नहीं होता है मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्रैक फिलिंग में यहां तक कि अगर आपका कॉन्क्रीट में भी क्रैक आ रहा है अगर वो छोटा सा क्रैक है ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चरल क्रैक नहीं है तो उसको फिल करने के लिए इमल्शन को ही यूज़ किया जा रहा है क्रैक फिलिंग में आ गया हिली रोड्स अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों सर हिली रोड क्यों ये तो ठीक है इमल्शन इन दोनों चीज़ों में यूज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग समझ में आता है हिली रोड पे क्यों यूज़ कर रहे हैं इस बाइंडिंग मटेरियल तो इसका कारण ये है कि हिली रोड पे जब आप रोड कंस्ट्रक्शन करते हो तो वहाँ पे दो चीज़ ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हो पहली वहाँ पे ट्रैफिक हैवी नहीं होने वाला है अनटेन अनलाइज दैट पार्ट इज़ अ यू नो प्यूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइक हमें पता है रोहतांग पास हो गया वहाँ हर साल गर्मियों में इतनी गाड़ियाँ आ जाती हैं कि खड़े होने की जगह नहीं होती तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एक्सेप्शनल केस वहाँ पर अच्छी रोड बनानी ही पड़ेगी हॉट मिक्स डिज़ाइन ले जाना पड़ेगा अगर एसॉल्टिक है वरना बेस्ट तो वहाँ कॉन्क्रीट ही रहेगा तो अब देखा जाए मेनली हिली रोड्स पे ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं होता है सेकेंडरी थिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट लेके जाना बहुत मुश्किल है तो सबसे अच्छा क्या है यार जितने आराम से बन जाए क्योंकि ज़्यादा लोड है नहीं तो इमल्शन से काम चल जाएगा तो विलेजेस की जो रोड्स हैं हिली एरियाज़ में माउंटेनियस एरियाज़ में वहाँ कोशिश की जाती है कि इमल्शन के साथ रोड बनाएँ यानी कि वो <coughs> बिटोमिनस इमल्शन को यूज़ करते हैं इंजीनियर्स और ईज़ी वे में वो रोड कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो ये यूज है इसको भाई लिख लो इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और मैं ई एस सी की कह रहा हूँ गेट की कह रहा हूँ और एस एस सी जेई की कह रहा हूँ और एस एस सी जेई से आपको समझ में आ गया यहाँ आ रहा है तो किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस को उठा लो उसमें भी पक्का छोटा मोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये पक्का मिल जाता है तो हेली रोड का स्पेशली ध्यान रखना क्यों ऐसा है सो तो ये पार्ट था कटबैक का और इमल्शन का अब हम बात करते हैं टार की यानी कि डामर वाली रोड बहुत बार आपने अपने दादा दादी नाना नानी ये कहोगे ये डामर की सड़क है डामर की सड़क है और बिल्कुल उनके ज़माने में डामर की ही सड़क होती थी उसका कारण था हमारे पास जो रेसिड्यू था उस टाइम पे कोल की बर्निंग बहुत ज़्यादा होती थी वुड काफ़ी बर्न करते थे लोग तो वहाँ पे जो रेसिड्यू अपटेन होता था उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू अगर करा जाए तो जो रिमेनिंग बचता था उसे हम तार कहते थे तो इसीलिए इसको फर्दर अब किस आ, के थ्रू निकला है? जैसे वुड के थ्रू या कोल के थ्रू निकला तो इसको फर्दर कहा गया वुड का तार कोल के थ्रू निकला है तो कहा गया कोल का तार तो, तो अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मैं बोल रहा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और वुड एंड कोल और ये कैसे डिफरेंट है बिटमिन से तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कंपैरिजन पर मैं आज फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि देखो तार जो है वो अब यूज़ में नहीं है क्यों बिकॉज ऑफ अभी नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊंगा इसकी पुअर प्रॉपर्टीज़ है एज कम्पेयर टू तो विटोमिन तो अब विटोमिन यूज़ होता है एज बाइंडर और वो हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है ज़्यादा स्ट्रेंथ कम पैसों में कम इन्वायॉर्मेंट को हार्म करते हुए तो क्या करेंगे भाई विटोमिन यूज़ करेंगे फिर है कि नहीं तो अब आते हैं तुम्हारी उस केमिस्ट्री में जिसने सबसे ज्यादा दिमाग खराब करा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भाई नहीं कराया था दोबारा से चेक कर लेना ओके okay. आपका कोई कंफ्यूजन ना रह जाए तो मैं छोटे से या छोटा सा कह रहा हूं बहुत ब्रीफ में बता देता हूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है पुराने जमाने से स्टार्ट करते हैं तार वाले से तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स बाय हीटिंग इन एबसेंस ऑफ एयर अगर आप एयर के एबसेंस में किसी सॉलिड को हीट करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन को अलग अलग कर रहे हो तो वो हो गया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जबकि कोई एक लिक्विड आया उस लिक्विड को ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम अलग अलग करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब आपने सुना होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल इसकी वजह से क्या मिलता है हमको पेट्रोल डीजल कैरोसिन ठीक है ऐसे ही करते करते विटोमिन भी मिलता है और नीचे जो बच जाता है वो भी होता है वैसलीन वो तक यूज होती है तो ये जो चीज है यहाँ तक कि ग्रीस भी आपको जो यूज होती है डिफरेंट हमारे मशीनरी पार्ट में दैट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उनके थ्रू एक्सट्रैक्ट करके उन्हें अलग अलग किया जा रहा है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या निकल रहा है बिटोमिन डिस्ट्रक्टिव से क्या निकल रहा है तार ऑल दो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन मेरे ख्याल से टू जीरो वन एट का क्वेश्चन है उन लोगों ने तार को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही मान डाला जो कि अपने आप में गलत है सो so, ऑलवेज अपने आप को करेक्टेड वे में आप हमेशा पढ़ते चलो क्योंकि तो आज यूपीएससी ने गलती की है कल वो सुधार लेगा तब क्या करोगे सो फ्रैक्शनल डिस्लेशन इज फॉर बिटोमिन एंड डिस्ट्रक्टिव इज फॉर टार बात करते हैं सोल्यूबल की कि ये किस में सोल्यूबल है ये तो हमने पढ़ा हुआ है जब हमने बिटोमिन से रिलेटेड टेस्ट वाले लेक्चर देखे थे तो सोल्यूबल किस में था कार्बन डाइसल्फाइड में और कार्बन टेट्राक्लोराइड में साथ साथ में मैंने वहां मैंशन किया होता है टार किस में सोल्यूबल है टाउलिन में ओके okay, अब बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से टार की जगह बिटोमिन ने ले लिया वो है लेस टेम्परेचर ससेप्टेबल यानी कि टेम्परेचर के वेरिएशन से जो कम इफेक्ट है वो बिटोमिन में पड़ा है और ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ गया टार पे पड़ गया तो टार ज्यादा टेम्परेचर ससेप्टेबल हुआ इसका मतलब टेम्परेचर के वेरिएशन से ज्यादा बड़ा वेरिएशन देखने को मिल रहा है विस्कोसिटी में टेम्परेचर थोड़ा वेरी कर रहा है ज्यादा वेरिएशन किस में आ गया विस्कोसिटी में अब ऐसा होगा तो वर्केबिलिटी और यूज दोनों में टार क्या हो गए प्रॉब्लमेटिक हो गए इसीलिए आज की तारीख में टार यूज नहीं होता है समझेगा इज <laughs> तो ये वो छोटा सा मुझे लगता है ले लैक्चर सीरीज़ मैंने स्पेशली बनाई कि अदर फॉर्म्स ऑफ बिटोमिन आपको पता रहे इससे आए हुए क्वेश्चन बता देता हूँ वैसे मैंने सोचा था एक क्वेश्चन डालू पर मुझे लगा कि जब मैंने इतने अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है ना तो ज़रूरत नहीं है एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि अरेंज कर दो इनको ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग विस्कॉसिटी तब मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया तो ऑब्वियसली अब मैं उस क्वेश्चन को नहीं लूँगा और बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं इमल्शन से कि इमल्शन कहाँ यूज़ होता है कई बार तो ऐसे देते हैं वन टू थ्री फोर फिर ए का हो गया वन टू थ्री सही है बी में टू थ्री सही है वो जो यू का टिपिकल क्वेश्चन टाइप पैटर्न है ना उसी की कह रहा हूँ तो उसमें एक रेनी सीजन का पैच वर्क क्रैक फिलिंग आ, हिली रोड कंस्ट्रक्शन ये कई बार रहे हैं ऑप्शंस में तो मैंने इसलिए स्पेसिफिकली ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं आप लोगों के लिए तो गाइस ये छोटा सा लेक्चर था अब इसके बाद हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट मिक्स डिज़ाइन और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा इसको उस तरीके से आप जब पढ़ेंगे ना उसके बाद आपको मार्शल मिक्स डिज़ाइन से या वीम मिक्स से कोई डर नहीं लगेगा इनफैक्ट आपके लिए वो चुटकीों का खेल हो जाएगा तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यार शेयर करते रहो मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस वीडियो को बनाने में दे रहा हूँ इंस्टेड ऑफ़ शेयरिंग पे इसलिए मेरे अब तक सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और अभी मेरा पहला फोकस यही है कि मैं अच्छे से पाँच से छः सब्जेक्ट हो पाएँ उनको बना दूँ फिर इनको वाइड स्केल पे शेयर करेंगे बट सबसे अच्छी शेयरिंग आप स्टूडेंट्स ही कर सकते हो तो शेयर करो और जो हेल्प है इसको पहुंचाते रहो नीडी स्टूडेंट्स तक साइनिंग ऑफ और ब्लेस यू ऑल